जय भीम, मैं हूँ अनिल सोले। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम दरियापुर में आज तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हो रही है, जिसमें भव्य रूप से रैली निकालकर बुद्धम शरणम गच्छामि के नारे लगाकर यहाँ पर बौद्ध विहार में यहाँ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित की जाएंगी। क्योंकि आज 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उसी अवसर पर यहाँ ग्राम दरियापुर में भी आज भगवान तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हो रही है। हमारे साथ में इंदौर से पधारे प्रधान जी, सर क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज 14 अक्टूबर 2021 और इस दरियापुर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक गांव है, यहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित हो रही है। और इस अवसर पर हम येवला महाराष्ट्र मुक्ति भूमि से यहां पर आए, 10 दिन का वहां शिविर चल रहा था, उस शिविर से डायरेक्ट यहां पर आए और आज यहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो रही है। भगवान बुद्ध की प्रतिष्ठापना होना इसका अर्थ है कि इस भारत देश में समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय, इसकी प्रेरणा मतलब लोगों के दिमाग में बिठाना है और इसी के अनुसार जीवन यापन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह जो धर्म है, ये मानवतावादी धर्म है। बुद्ध का जो धर्म है मानवतावादी धर्म है। और इस देश में जो विषमतावाद प्रसारित हुआ था, विषमतावाद की वजह से बहुजन समाज जिसको 85% बोलते हैं, वो समाज दीनहीन हो गया था, दयनीय स्थिति उनकी हुई थी, उनका जानवरों से भी बदतर उनकी जीवन की स्थिति हुई थी। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 13 अक्टूबर 1935 को येवला मुक्ति भूमि में घोषणा करी थी कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मरना मेरे बस में है। और इसलिए मैं यहाँ पर संकल्प करता हूँ कि मैं हिंदू धर्म में कदापि नहीं मरूंगा, मैं धर्म परिवर्तन करने वाला हूँ। और आज के दिन 14 अक्टूबर 1956 को 21 साल के अथक अध्ययन के बाद में सभी धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया और दीक्षा भूमि नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो साथियों, बौद्ध धर्म ये मानवता का धर्म है, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय के ऊपर आधारित है। इसलिए बाबा साहब ने अध्ययन किया कि मेरे समाज का यदि उद्धार हो सकता है तो बुद्ध धर्म के अनुसार ही हो सकता है और अन्य कोई धर्म मेरे धर्म का उत्थान नहीं कर सकता है, क्योंकि इसी धर्म में स्वाभिमान जो है हमारा स्वाभिमान बढ़ सकता है। जो पूर्व धर्म में हम थे उसमें हमारा स्वाभिमान खत्म हो गया था, मानव मूल्य की उन्नति हुई थी और इसके वजह से उनका उत्थान करना ये उनका परम लक्ष्य था। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा दी, उसके बाद में 15 तारीख को चंद्रपुर में लाखों अनुयायी के साथ में लोगों ने दीक्षा ली। इस प्रकार से ये कारवा चले आ रहा है। आज ये दरियापुर गांव में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित करके यहाँ के जो निवासी है बुद्ध का आचरण करेंगे, धम्म का आचरण करेंगे और संघ का आचरण करेंगे। सही मायने में बाबा साहब ने जो प्रबुद्ध भारत बनाने का संकल्प लिया था, उसी संकल्प की पूर्ति के लिए यहाँ पर आज मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो रही है। निश्चित दरियापुर के जो लोग हैं, जो कार्यकारिणी है भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस संस्था के सब पदाधिकारी, सभी संगठनों के जो पदाधिकारी है, उनका ये जो कार्य है सराहनीय कार्य है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ और विजय अशोका विजयादशमी की उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, 14 अक्टूबर ये दिन योगायोग से आया है। अशोका विजयादशमी का विशेष करके महत्व है। सम्राट अशोक के धर्म परिवर्तन के 2500 साल बाद, भगवान बुद्ध के धर्म परिवर्तन के 2500 साल बाद बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी थी, तो वो अशोका विजयादशमी का दिन था। और अशोका विजयादशमी के दिन ही ज़्यादा करके ये जो हमने उत्सव है मनाना चाहिए। 14 अक्टूबर ये वर्षगांठ है, 14 अक्टूबर जो है ये वर्षगांठ है। हो सकता है उस दिन विजयादशमी रहती और 13 तारीख भी आ सकती थी, 12 तारीख भी आ सकती थी, 10 तारीख भी आ सकती थी। तो विजयादशमी का महत्व है। तो जब भी हम ये कार्यक्रम करेंगे धम्म दीक्षा का, तो अशोका विजयादशमी के उपलक्ष्य में हम इसी तारीख को ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसा ही हमें हमेशा बोलना है और प्रदर्शित करना है। तो पुनः मैं सभी दरियापुर वासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आगे चलकर वो बुद्ध का कारवा और ऐसे ही गति से चलाए, बाबा साहब का जो कारवा ऐसे ही चलाए, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उत्तम प्रधान, भारतीय बौद्ध महासभा संस्था का, मध्य प्रदेश का संस्कार विभाग, संरक्षण विभाग का उपाध्यक्ष हूँ, समता सैनिक दल का मेजर हूँ, श्रामनेर बोधाचार्य, इस हैसियत से मैंने यहाँ पर यह बाइट दी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ में खेनार जी, सर क्या कहना चाहूँगे? आज
बहुत ही हर्ष का विषय है कि बुरहानपुर ज़िले के दरियापुर इस एक छोटे से ग्राम में आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में तथागत बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की होने जा रही है। लोगों में बड़ा उत्साह है, आजू बाजू के ग्रामों से नगरों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बड़ा उत्साहित वातावरण है, होना भी चाहिए। क्यों कि बौद्ध धर्म में एक विशेषता है कि यहाँ पर उनके अनुयायियों को शील, करुणा, मैत्री, सदाचार की शिक्षाएं ग्रहण कराई जाती है ताकि अपना जीवन वो सुव्यवस्थित ढंग से जी सके एवं अपने गांव की, तहसील की, देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके, ताकि हम जितने अच्छे नागरिक देश को दे सकेंगे ऐसी क्षमता हमारे इस बौद्ध धर्म में है। और बौद्ध धर्म ये किसी की कोई मोनोपाली नहीं है, यह किसी एक जाति विशेष, धर्म विशेष लोगों की मिल्कियत नहीं है, ये सार्वजनीन धर्म है। कोई भी इस धर्म को स्वीकार करके अपने जीवन का कृतार्थ कर सकता है। जैसे अनेक नदियों का पानी समुद्र में मिलकर एकत्रित हो जाता है, समुद्र महासागर कहलाता है और उसकी कोई विशेष पहचान नहीं रह जाती कि यह गंगा का पानी है, कावेरी का पानी है, ब्रह्मपुत्र का पानी, नर्मदा का, ताप्ती का पानी है, ऐसा कोई नहीं भी दावे से बोल सकता। इसी प्रकार में यहाँ भी प्रत्येक जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय के लोग धम्म की दीक्षा लेकर और अपनी मूल पहचान मिटाकर केवल मात्र बौद्ध कहलाते हैं। जैसे अन्य उसमें हम देखते हैं तो उसको अगर धम्म पूछा तो फिर उसकी जाति पर आती है, जाति पूछा तो उपजाति, ऐसा इस धम्म में नहीं है। केवल मात्र एक इंसानियत, एक मानवतावादी यह धम्म है, इसकी विशेषता है। और इसी आकर्षण के कारण विश्व के इस भारतवर्ष में जम्मू द्वीप में 90% लोग यहाँ पर बुद्धिस्ट थे और अपना जीवन यापन बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार करके अपना कृतार्थ उन्होंने साधा था। और आज हम बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि यहाँ पर हमको हिस्सा लेने का मौका मिला और बड़े उत्साहित लोगों को हम देख सके, उनका दर्शन लाभ हमें हुआ और हम अपने आप को भी एक इस कड़ी में जोड़कर कृतार्थ समझते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति की यहाँ प्रतिष्ठापना हो रही है, इसीलिए ये पूरे यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने प्रतिष्ठापना करके नहीं रुकना चाहिए। हर दिन अपने छोटे बच्चे को बुद्ध विहार के अंदर बिठाकर त्रिशरण पंचशील सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर अराजकता बहुत फैलाई जा रही है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और बुद्ध के धम्म के अंदर कोई भी जात पात धर्म पंथ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बुद्ध ने धम्म दिया है, धर्म नहीं। धर्म कहो तो पूजा अर्चा आराधना भक्ति देव दैव ये सारे बातें इसमें आते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्म दिया है। धम्म यानी नीति मत्ते से जीवन यापन करना। सभी इंसान सरीके है, यहाँ बुद्ध के यहाँ सारी समता सिखाई जाती है। इसीलिए मैं पूरे मध्य प्रदेश वासियों का और हमारे जो कार्यकर्ता है यहाँ पर मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष लहासे जी और इनकी जो टीम है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की, इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत बड़ा प्रोग्राम मध्य प्रदेश के अंदर इन लोगों ने अरेंज करना शुरू किया है, श्रामनेर शिविरों का आयोजन करते हैं। इसीलिए हर गांव में बुद्ध विहार होना बहुत ज़रूरी है और अपने बच्चे पर संस्कार करना बहुत ज़रूरी है। त्रिशरण पंचशील ये मानव ने कैसा रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए, ये भगवान बुद्ध ने दी हुई एक आचार संहिता है। इसका तंतोतंत पालन करेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी ये बुद्ध धम्म के प्रवाह से लेके जाएंगे, यही मैं यहाँ पर शुभकामना करता हूँ। सारे पूरे पदाधिकारी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और यहीं पर मैं रुकता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।
आप सभी को सर्वप्रथम धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस ग्राम दरियापुर में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यहाँ की जो ग्राम शाखा है उस शाखा के माध्यम से उसके अंतर्गत यहाँ पर आज तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा का स्थापित हो रही है। और बुद्ध विहार, जैसा सर ने बताया कि बुद्ध विहार हर गांव में होना चाहिए, तो बुद्ध विहार का मतलब होता है जहाँ बुद्ध निवास करते हैं, और बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान का खजाना, और विहार का मतलब होता है कि वहाँ रहना। तो वहाँ पर हम लोग जाकर उस ज्ञान के खजाने में से हम कुछ धम्म सीखे, या हमारी वहाँ पर नैतिकता क्या होती है, आदमी की जिम्मेदारी क्या होती है, वो हम ग्रहण करें और समाज में वह उस धम्म को, कारवा को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। तथागत भगवान बुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें नीतिमत्ता दी है, जो धम्म दिया है, उस धम्म को लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। और यहाँ पर भी आज इस ग्राम में जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हो रही है, तो एक संदेश जा रहा है कि यहाँ पर भी भगवान बुद्ध वास करते हैं, निवास करते हैं। तो वहाँ पर बुद्ध मत का विहार का मतलब होता है कि वहाँ पर ऐसा नहीं कि बुद्ध मूर्ति स्थापना करने के बाद उसको ताला लगाया जाए, भाई वहाँ पर नित्य दिन डेली सुबह शाम वंदना होना चाहिए, त्रिशरण पंचशील लेना चाहिए, और जहाँ तक हो सके सभी लोगों ने वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पर उस धम्म को ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः एक बार हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ में दिबोधि सोसाइटी के जिलाध्यक्ष है। सर, क्या क्या रूपरेखा और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और किस क्या कहना चाहोगे? आज सर्वप्रथम आप सभी बौद्ध धर्मावलंबियों को धम्म क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभेच्छा प्रेषित करते हुए, आज का जो ये कार्यक्रम है धम्म दीक्षा क्रांति महोत्सव के अंतर्गत, अर्थात कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अंतर्गत आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य आयोजक जो है वो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ग्राम शाखा दरियापुर के समस्त पदाधिकारीगण और उनके समस्त गांवकरी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सर्वस्व, आर्थिक सहयोग कहे, मानसिक सहयोग कहे या शारीरिक सहयोग करे, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिया है। तो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में आज इस ग्राम दरियापुर में बुद्ध का प्रतिरूप स्थापित हो रहा है, और प्रतिरूप स्थापित करने का तात्पर्य यह है कि हम उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करें और अपने जीवन को नैतिकता के आधार पर ले जाकर हम जिस प्रकार से देश में अपना सहयोग दे सकते हैं, हम हमारे बच्चों को नैतिकता सिखाकर, उनको आचरणशील बनाकर, उनको शिक्षा जो है वो केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता है, बल्कि शिक्षा हमें अच्छे और बुरे की पहचान कराती है, और धम्म हमारा जो है ये हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जो मूल तत्व है ये सिखाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा सारा भारत देश आज संविधान के माध्यम से समाहित है। तो बुद्ध के जो मूल तत्व है जिसके ऊपर सारा विश्व चल रहा है, और बुद्ध रूप प्रतिस्थापित करने का यही तात्पर्य होता है कि हम उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करके हम हमारे जीवन को नैतिकता के आधार पर किस प्रकार से प्रगति दे सकते हैं, हमारे बच्चों को किस प्रकार से आचरणशील बना सकते हैं, उनको बुराइयों से किस प्रकार से बचा सकते हैं। और भगवान गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया है शांति का, हम विश्व के कोने कोने में किस प्रकार से फैला सकते हैं, इसलिए बुद्ध विहार और बुद्ध रूप का स्थापना की जाती है, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध का प्रतिरूप और बुद्ध विहार ये मात्र केवल आराधना या उपासना के केंद्र नहीं होते हैं, ये वास्तव में शिक्षा के केंद्र होते हैं। तो इन शिक्षा के केंद्र में से हमारे बच्चों ने प्रगतिशील होना चाहिए, चाहे वो आप पुस्तकीय माध्यम से शिक्षा का ज्ञान कहे या धार्मिक ज्ञान कहे, और देश में योगदान अपना देना चाहिए। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके सोसाइटी के कौन कौन से कार्यक्रम हैं? हमारे सोसाइटी के आज के दिवस पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में एक दरियापुर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है जो जिला शाखा के तत्वाधान में हो रहा है। उसके तुरंत बाद 17 तारीख रविवार को भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा के द्वारा जो विद्यार्थी है एससी एसटी के, जो 10वीं 12वीं कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए संस्था के माध्यम से करियर गाइडेंस का एक कार्यक्रम रखा गया है। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में आज के इस लैपटॉप, व्हाट्सअप, फेसबुक के जीवन में विद्यार्थी के जीवन में बौद्ध धर्म की महत्ता एवं उसकी उपयोगिता क्या है, इस बौद्ध धर्म की महत्ता को यदि आज विद्यार्थी जान लेता है तो निश्चित तौर पर वो आने वाले समय में इस देश की प्रगति में अपना सहयोग प्रदान कर सकता है और अति उच्च शिखर तक अपने आप को स्थापित कर सकता है। तो और इसी के ये जो 24 प्रकार के शिविरों का जो हमारा भारतीय बौद्ध महासभा का एक ध्येय है, उन 24 प्रकार के शिविरों में से ही एक ये शिविर है जिसको हम आजीविका मार्गदर्शन शिविर कहते हैं या करियर गाइडेंस शिविर कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में दरियापुर के साथी, क्या कहना चाहूँगा? सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम। सर्वप्रथम सभी को मैं 65वें धम्म चक्र अनुवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, एवं जनमत आवाज का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का हमारा बुद्ध प्रतिमा स्थापना का यही उद्देश्य है कि हम
आने वाली पीढ़ी को नई शिक्षा के क्षेत्र में हम विकास के लिए, प्रगति के लिए कार्यरत रहेंगे एवं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दरियापुर में आज तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हो रही है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु एवं तमाम जिले के वो बाहर से पधारे बोधिसत्व सोसाइटी के कार्यकर्ता, बौद्ध बंधु, समाज बंधु, सभी उपासक उपासिका इस कार्यक्रम में रैली बनाकर जहाँ गांव से जहाँ से स्टार्ट होता है चौराहा, उस चौराहे से तथागत बुद्ध की प्रतिमा को एक गाड़ी रथ लेकर उसको रैली बनाकर यहाँ पर बुद्ध विहार में स्थापित की जा रही है। मैं अनिल सोले सहयोगी साथी सुरेश वानगे के साथ में देखते रहिए जनमत आवाज़।